साथियों, जल संपदा से उसके संरक्षण और निर्माण की गति तेज करने के लिए हमने अब दो और बड़े कदम उठाए हैं। साथियों, पहले पानी के मामलों को अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभाग देखते थे, सब बिखरा पड़ा था, साइलों में था। इसका एक असर यह भी था कि पानी से जुड़ी योजनाएं पूरा होने में बरसों लग जाते थे। अब ये सारे विभाग जल शक्ति मंत्रालय के तहत गए हैं, उनके तरह लाए गए। दूसरा काम हमने ये किया कि सरकार बनते ही जल जीवन मिशन शुरू कर दिया। आने वाले 5 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए पानी के संसाधन जुटाने में, वर्षा के जल के संरक्षण में और हर घर जल पहुंचाने में खर्च किया जाएगा। साथियों, इस मिशन से न सिर्फ हमारे धान के किसान, हमारी बहनों का जीवन आसान होगा, बल्कि पानी के इंतजाम में उनका समय जो बर्बाद होता था वो भी बचने वाला है। हमारी माताएं बहनें वहां तालियां बजा रही है। यही नहीं, जब शुद्ध पानी मिलेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमारा पशुधन भी स्वस्थ रहेगा। पर्याप्त पानी मिलने से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उद्योगों का भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।